गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं और उस पर वर्क भी कर चुके होंगे, आज मैं प्रेजेंट टेंस का अंतिम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसे बताने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या है। तो पहली बात कि जो क्रिया भूतकाल में शुरू हुआ और वर्तमान तक जारी रहता है तब उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानते हैं। अगर हम ऐसे देखें तो, लेकिन इसके फॉर्म को अगर देखेंगे, इसके बनावट को देखेंगे, तो इसके बनावट में पहचान अगर देखेंगे तो पहचान से भी हम पहचान जाएंगे। पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, रहा हूँ, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि में से कोई एक लगा रहे तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझें। एक विशेष बात, रहा है, रही है, रहे हैं में अगर समय दिया हुआ रहेगा तभी हम इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मानेंगे। अगर इसमें समय नहीं दिया हुआ है तब हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही मानेंगे और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नियमानुसार ही बनाएंगे। इस बात को ख्याल रखना है, इस बात पर ध्यान देना है कि रहा है, रही है, रहे हैं, यह जो है इसके साथ समय का होना अनिवार्य है, तभी इसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा। अगर इसमें समय नहीं दिया हुआ है तो इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही माना जाएगा। और दूसरी बात, ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, इसमें समय दिया हुआ रहे अथवा नहीं रहे फिर भी हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य मानेंगे, समझेंगे और उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नियमानुसार बनाएंगे। जैसे वह पढ़ता रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, लेकिन इसी बात को अगर हम बोलेंगे कि वह पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग बोलेंगे, लेकिन वह दो घंटों से पढ़ रहा है तब यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, तब हम इसे ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अर्थात अब यह बात स्पष्ट हो गई कि जिसमें समय दिया हुआ रहे तो रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि रहे तो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमानुसार बनाएंगे। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम। तो अब इसमें एक और समस्या आती है कि फॉर सिंस का प्रयोग या प्रीपोजिशन है, लेकिन इसमें फॉर सिंस का प्रयोग हम कहां फॉर का करेंगे और कहां सिंस का करेंगे। इसमें डायरेक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता देने से आप लोग नहीं समझ पाएंगे या ऐसा ही होता आ रहा है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय, तो निश्चित समय का निर्धारण आप लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए उस सुविधा के लिए मैं लिख दिया हूँ। जैसे हिंदी में वर्षों से, महीनों से, घंटों से, दिनों से, कई दिनों, कई महीनों, कई घंटों, वर्षों से रहे तो उसमें हम फॉर लगाएंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, जैसे सोमवार से, 2005 से, सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, बचपन से इत्यादि रहने पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अतः फॉर और सिंस लगाने का जो तरीका है अब वह स्पष्ट हो गया कि हम कहां पर फॉर लगाएंगे और कहां पर सिंस लगाएंगे। और इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस
का हम एग्जाम्पल बताए हुए हैं, जैसे वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, he had been reading for 2 hours, तुम सुबह से इस काम को कर रहे हो, you have been doing this work since morning, यहाँ देखिए जबकि एग्जाम्पल में भी बताया गया है। अच्छा तो अब आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान बनाने का नियम ये समझ गए, जिस प्रकार प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट में निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन से शुरू होने वाला वाक्य होता था, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी निगेटिव सेंटेंस होंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे और WH क्वेश्चन से शुरू होने वाले वाक्य होंगे। जिसका बताया गया है निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस नॉट प्लस बीन, यहाँ पर ध्यान देंगे कि बीन का प्रयोग हैज हैव के बाद नहीं करना है, नॉट अगर आएगा तो नॉट के बाद बीन का प्रयोग करना है। वाक्य में नॉट निगेटिव सेंटेंस रहे तो नॉट के बाद बीन का प्रयोग होगा, इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी बात, फॉर सिंस का प्रयोग आप समझ ही चुके हैं, वे लोग इस गांव में 2 महीनों से नहीं रह रहे, वे लोग इस गांव में 2 महीनों से नहीं रह रहे हैं, दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 2 years। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, इसमें आपके ऊपर निर्भर करता है, अगर आप चाहेंगे तो नॉट का प्रयोग हैव हैज के साथ भी कर सकते हैं या तो सब्जेक्ट के बाद भी कर सकते हैं, हैव हैज सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वी फोर अर्थात वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर सिंस प्लस टाइम प्लस ईटीसी। क्या आप 2017 से इस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं? Have you not been teaching in this school since 2017? अब WH question, तो WH question में what, where, when, why, how, उसके बाद have, has, subject के अनुसार, उसके बाद subject, तब not, तब been, प्लस भी फोर, तब ऑब्जेक्ट, तब फॉर सिंस या टाइम, फॉर सिंस टाइम। इस प्रकार तुम 10 दिनों से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे हो? वाई हैव यू नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 10 डेज। अब इस प्रकार आप समझ गए कि इसके भी जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में इंट्रोगेटिव निगेटिव और WH क्वेश्चन से शुरू होने वाले वाक्य हुआ करते थे, उसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी निगेटिव इंट्रोगेटिव और WH क्वेश्चन से शुरू होने वाले वाक्य होंगे। अब फॉर सिंस का प्रयोग मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि फॉर का प्रयोग कहां होगा, सिंस का प्रयोग कहां होगा, और इस वीडियो के साथ मैं ये पूरा नोट जो बोर्ड पर लिखा हुआ है आप लोगों को दूंगा, अगर बोर्ड पर ना दिखाई दे तो उस नोट से भी आप देख करके लिख लेंगे और बाकी बातें समझाई जा चुकी है। इन्हीं के साथ मैं अपना क्लास लेने